स्टूडेंट्स हम लोगों एप्लीकेशन कर रहे थे HSCB प्रिंसिपल की, हार्ड एंड सॉफ्ट एसी बेस्ड प्रिंसिपल की हमने एप्लीकेशन शुरू करी थी और उस एप्लीकेशन में हमने सारे पॉइंट्स ले लिए थे। एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था एंड दैट इज द सेपरेशन ऑफ कॉपर प्लस टू एंड कैडमियम प्लस टू फ्रॉम सोल्यूशन, यानी विलियम में से कैडमियम प्लस टू और कॉपर प्लस टू का पृथकीकरण। ओके, तो हम किस तरह से इसको सेपरेट करेंगे ये आप देख लीजिए कि आपको मालूम है कि जो कॉपर प्लस टू है इट इज अ बॉर्डर लाइन एसिड। कॉपर प्लस टू एक बॉर्डर लाइन अम्ल है, सीमावर्ती अम्ल है। कैडमियम प्लस टू इज अ सॉफ्ट एसिड, एक ये मृदु अम्ल है। ओके, अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे इनके सेपरेशन के लिए, KCN की प्रेजेंस में H2S गैस पास करेंगे। नोट करिएगा पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर KCN सॉल्यूशन एंड देन वी विल पास H2S गैस फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो आपको देखिए कि यहाँ पर अब हमारे पास कौन कौन से लिगेंड्स हुए हैं, हमारे पास में साइनेट है और सल्फाइड है ना, क्योंकि ये सब मृदु है और बॉर्डर लाइन है, तो कॉपर प्लस टू और कैडमियम प्लस टू दोनों की एफिनिटी साइनाइड और सल्फाइड दोनों की तरफ रहती है, राइट। बट इफ यू कंपेयर इनकी जो एफिनिटी उसको कंपेयर करें तो कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम प्लस टू की जो एफिनिटी है वो सल्फाइड की तरफ ज्यादा है, क्योंकि सल्फाइड आपको पता है इट इज अ सॉफ्ट बेस है ना, एक मृदु क्षार होता है। साइनाइड में क्योंकि कार्बन की तरफ से बॉन्डिंग हो रही है तो इट इज ऑल्सो है सॉफ्ट बेस है ना। तो कुल मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, फिर से रिपीट करते हुए बात को, कि अगर हमें कॉपर प्लस टू और कैडमियम प्लस टू को सेपरेट करना है देन वी विल प्रिपेयर द KCN सॉल्यूशन एंड देन वी विल पास H2S गैस फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो जब हम इसमें से H2S गैस पास करते हैं तो कैडमियम प्लस टू की एफिनिटी सल्फाइड की तरफ ज्यादा होती है एंड इट गेट प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ कैडमियम सल्फाइड। नोट करिएगा कि ये कैडमियम सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है और इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, इन प्रायोगिक जो कंडीशंस है उसके अंदर व्हाट विल हैपन, कॉपर प्लस टू जो होता है इट गेट रिड्यूस इनटू कॉपर प्लस वन। क्या कहा मैंने, कॉपर प्लस टू का रिडक्शन हो जाता है कॉपर प्लस वन में और ये क्या करता है साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है दिस वन, जहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वन, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज सॉल्युबल इन वॉटर, ये पानी में घुलनशील है। तो आप समझ सकते हैं सिंस कैडमियम सल्फाइड इज इनसॉल्युबल है ना, क्योंकि ये पीपीटी की फॉर्म में है एंड दिस साइनाइड कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर इज सॉल्युबल, सो वी कैन सेपरेट कॉपर एंड कैडमियम बाय फिल्ट्रेशन। ओके, तो इसमें आपने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल हमने यूज किया है ना, कि कॉपर कैडमियम के सॉल्यूशन में KCN की प्रेजेंस में H2S पास करने पर कैडमियम प्लस टू की सल्फाइड की तरफ एफिनिटी ज्यादा होती है और इसी वजह से वो क्या करता है कैडमियम सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, जबकि कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस वन में रिड्यूस होकर साइनाइड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज सॉल्युबल, और क्योंकि ये सॉल्युबल होता है तो हम इन दोनों को फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ HSCB प्रिंसिपल। ओके, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द लिमिटेशंस ऑफ HSCP प्रिंसिपल, यानी HSCP जो सिद्धांत है उसकी कमियां, लिमिटेशंस ऑफ HSCP प्रिंसिपल, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत की कमियां, राइट। सो द नंबर वन पॉइंट पहले आप लिख लीजिए, दिस थ्योरी इज जस्ट क्वालिटेटिव, यह क्वालिटेटिव है, इट इज नॉट क्वांटिटेटिव। इट इज नॉट क्वांटिटेटिव, देखो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आपको मालूम है कि जब भी हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, है ना, कि इट इज हार्डर, इट इज मोर सॉफ्टर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी तुलना में ये कठोर है। जैसे सपोज मैंने आपको बोला था कि जितनी भी एल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, इन सबको मैंने आपको क्या बोला था, हार्ड एसिड बोला था ना,
कि ये सारे के सारे हार्ड एसिड है बिकॉज यू आर हैविंग लेस नंबर ऑफ डी लैक्टोज, इसलिए सब क्या है हार्ड राइट। और लेकिन आप क्या देखोगे कि हम इनमें देखें तो अगर हम कंपेयर करें तो लिथियम इज मोर हार्ड है ना, लिथियम की जो कठोरता है वो सीजियम की तुलना में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लिथियम का आकार बहुत छोटा होता है, यह आसानी से ध्रुवित नहीं होता और इसीलिए लिथियम क्या है कठोर है। गॉट इट। और जो सीजियम है उसका आकार बड़ा है या आसानी से ध्रुवित होता है, तो ये इसके कंपैरिजन में क्या है सॉफ्ट है ना। तो हमने कंपैरेटिव टर्म ली कि किसकी तुलना में कौन हार्ड है और कौन सॉफ्ट है राइट। तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि इसका कोई स्केल नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे कि ये इतना हार्ड है या इतना सॉफ्ट है, जैसे हम मेजर करते हैं स्केल पे कि ये 5 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर है, तो ऐसा कोई इसका मेजरमेंट नहीं है। और यही कारण है कि सबसे पहली कमी क्या हुई, HACCP प्रिंसिपल इज क्वालिटेटिव, यानी ये गुणात्मक है, ये हमें बता रहा है कि कौन हार्ड कौन सॉफ्ट, ये मात्रात्मक नहीं है कि अगर कोई हार्ड है तो वो कितना हार्ड है वो स्केल पे हमें नहीं बताता। ओके राइट। नाउ राइट द सेकेंड लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन इज दैट कि HACCP प्रिंसिपल क्या कहता है कि कठोरता एवं मृदुता, क्या वर्ड बोला मैंने, कठोरता एंड मृदुता, सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, एंड नंबर टू थिंग एसिड बेस स्ट्रेंथ, अम्ल क्षार प्रबलता, आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग बातें हैं ना। ये सिद्धांत क्या कहता है, अम्ल क्षार प्रबलता और कठोरता एवं मृदुता अलग अलग चीजें हैं, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कठोर और मृदु अभिक्रियाएं क्या होती है, अम्लता और क्षारता पर निर्भर करती है। गॉट इट। चाहे तो हम नेक्स्ट लिमिटेशन ले लेते हैं, उसमें आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज CH3 है प्लस, इसकी जब मैं H2 से रिएक्शन करवाऊंगी तो आपको पता है कि CH4 बनेगा और H+ बनेगा है ना। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं H2 क्या है, H- और H+ है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि H- इसके ऊपर कंबाइन कर गया तो आपका बन गया CH4 है ना, और H+ निकल गया राइट। तो अब आप नोट करिए कि CH3 एक सॉफ्ट स्पीशीज है और H- भी क्या है, सॉफ्ट स्पीशीज है ना। CH3 इज अ सॉफ्ट एसिड एंड H- इज अ सॉफ्ट बेस, तो ये कॉम्बिनेशन सुटेबल होना चाहिए। और इसमें जब अगर ये सुटेबल है तो इसके बनने में एनर्जी निकलनी चाहिए, लेकिन आप क्या देखते हैं कि एनर्जी नहीं निकलती, इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जब ये रिएक्शन होती है तो बल्कि ऊर्जा अवशोषित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है उसमें हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इसमें अम्ल क्षार प्रबलता इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है राइट। सो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन। नाउ कम टू द फोर्थ लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन हमारे साथ ये है कि हमें जब भी एसिड बेस देखना है तो हमें उस स्पीसीज को डिवाइड करना पड़ता है। इसका बहुत एग्जाम्पल अच्छा सा देती हूँ, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में आप क्या देखते हैं कि जो एसिड है उसकी रिएक्शन होती है एल्कोहल से। देखो मैं लिख रही हूँ, दिस इज एसिड ओके, नाउ इसकी रिएक्शन हमने कराई एल्कोहल से ओके। तो आपको अच्छे से मालूम है कि हम स्पीसीज को किस तरह से डिवाइड करते हैं, बताइए। एसिडिक एसिड का तो ये माइनस वाला पोर्शन लेते हैं और ये क्या हो गया प्लस, गॉट इट। ये अगर माइनस है तो ये क्या हुआ प्लस हुआ, तो आप यहां देखें इसमें हम क्या करेंगे, ये हो गया प्लस और ये माइनस, हो गया ना भाई। और इस तरह से हम क्या बनाते हैं CH3CO है ना, OC2H5 प्लस HOH है ना। तो आप देखिए कि हमने यहां पर इसको क्या कहा, एसिडिक पार्ट कहा है, इसको बेसिक पार्ट कहा है ना। यहां पर ये बेसिक पार्ट है, ये एसिडिक पार्ट है राइट। सो दिस इज अ वन वे ऑफ राइटिंग दिस स्पीसीज। लेकिन यू ऑल्सो सी द अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस। ध्यान से लिखिएगा कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, CH3COO- H+ नोट करिए है ना, और CH2 5NOH- तो यहां पर ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये प्लस और ये माइनस, यहां पर ये एसिड हो गए ये बेस और ये एसिड हो गया और ये बेस। गॉट इट। तो कहने का मतलब कि आइडेंटिफाई करना एक डिफिकल्ट वर्क है कि कब कौन सा एसिडिक पार्ट होगा और कब कौन सा बेसिक पार्ट होगा। ओके नाउ कम टू द अवर लास्ट लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी,
वो ये है कि सम रिएक्शंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू HACCP प्रिंसिपल, है ना। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो HACCP प्रिंसिपल के अनुसार नहीं होती। इसमें आप लिखिएगा कि वेल नोन इक्वेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ HF विद SO3 2-, ओके। तो आप देखेंगे कि H+ एक हार्ड एसिड है, फ्लोराइड एक हार्ड बेस है, लेकिन ये रिएक्शन किस तरह से हो रही है, HSO3- फ्लोराइड, है ना। यानी आप क्या नोट करेंगे कि आप ये नोट करेंगे कि यहाँ पर एक हार्ड एसिड का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है, सॉफ्ट बेस के साथ हो रहा है, राइट। सो दिस रिएक्शन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द HACCP प्रिंसिपल, क्यों, क्योंकि हार्ड एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन कर रही है। बट दिस इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू द एसिड बेस स्ट्रेंथ, क्या कि ये जो समीकरण है वो अम्ल क्षार प्रबलता के अनुसार हो रहा है, जिसमें कि एक प्रबल क्षार, कौन है प्रबल क्षार, SO3 2- इज रिप्लेसिंग अ वीक बेस, ओके। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस जो कि एक वीक बेस को रिप्लेस कर रहा है, राइट। तो आप देखेंगे कि दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ HACCP प्रिंसिपल। अब इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ है और फिर इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं अगले टर्न पे, फिर अपना नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, ओके बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।